कि कांग्रेस पार्टी से जिन लोगों को जुड़ाव है, जिन लोगों को प्यार है, उन लोगों की भावनाओं का आदर करते हुए उन्होंने कल ही स्पष्ट कर दिया था कि वो एक योद्धा हैं, योद्धा की तरह लड़े हैं। और आज उन्होंने ये बिल्कुल उनके जो रोल बैक किया है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सेंट्रल लीडरशिप को, ये पूरे देश में एक मैसेज गया है, एक उनका संदेश गया है कि हिमाचल प्रदेश की जनता और हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व किसी भी धनबल की शक्ति को हराने में बिल्कुल सक्षम है। माननीय मुख्यमंत्री जी को इसकी बहुत बहुत बधाई। और जिस तरीके से 6500 करोड़ रुपये का चंदा इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को पिछले कुछ वर्षों में मिला है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल अवैध है, इलीगल है, उस सारे इलीगल पैसे का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में जहां जहां कांग्रेस या दूसरे दलों की सरकार उनको गिराने का प्रयास कर रही है। और ये जो मुख्यमंत्री ने पिछले कल किया है, इससे आज भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में एक संदेश गया है। जयराम ठाकुर जी जिनकी छटपटाहट थी कि कब वो उस कुर्सी पर मुख्यमंत्री कुर्सी द्वारा आसीन हो, उसको जरूर धक्का लगा है और धनबल की ताकत को जनबल ने हराया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को उसकी बहुत बहुत बधाई और पूरे कांग्रेस पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। रोहित जी, आज है कि जो पॉलिटिकल पार्टी का व्हिप होता है, इसकी व्यवस्था जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन के 10th शेड्यूल में है, और 10वें शेड्यूल में जब ऐसे व्हिप की वायलेशन होती है तो एंटी डिफेक्शन में कॉल करता है। माननीय स्पीकर साहब ने अपने व्हिप से फैसला लिया है और उसका उनके फैसले का अब जो भी लीगल ऑप्शन है उसको वो वेल करते हैं नहीं करते हैं तो उनके ऊपर है, लेकिन उनके फैसले के तहत जो 6 सदस्य हैं उनको अयोग्य घोषित किया गया है, जिसमें अब जो है अब ये देखा जाएगा कि संख्या बल जो है वो संख्या बल जो हाउस के जो अब मेंबर्स इस वक्त सिटिंग हैं उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा। तो कांग्रेस पार्टी जो है बहुत कंफर्टेबल मेजॉरिटी में हिमाचल प्रदेश में है, जिसकी बधाई पूरी की पूरी मैं मुख्यमंत्री जी को देता हूँ।